ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए यूके स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो अब न्यू रूल्स जनवरी से अप्लाई हो रहे हैं। ये अब सब उन्हीं केसेस पे अप्लाइड है रूल जो भी जनवरी इनटेक के लिए अपनी एप्लीकेशंस लगा रहे हैं। सो इस चीज का ध्यान रखें, ये मिस्टेक आप ना करें। ध्यान क्या रखना है, जो फंड्स, जो लिविंग कॉस्ट, जो फंड शो करने होते हैं यूके के लिए, अब वो बढ़ चुके हैं। कितने बढ़ चुके हैं ये नोट कर लें ताकि आपको कोई गलत फहमी ना रहे। पहले ये फंड, जब अभी तक जो फाइल्स लग रही हैं सितंबर की या नवंबर इनटेक की भी लगेंगी, उनके अंदर ये फंड की रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो जो आउटर लंदन है, लंदन के बाहर वाली यूनिवर्सिटीज के लिए आपको तकरीबन 9207 पाउंड दिखाने पड़ते हैं, 9207 पाउंड। इंडियन फिगर में अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये 10 लाख के आसपास की अमाउंट बनती है, क्योंकि 112 रुपए के आसपास पाउंड हो चुका है। बहुत ज्यादा जो पाउंड की वैल्यू है वो बढ़ चुकी है। और दूसरा, अब ये जो चेंज हो चुके हैं तो नए रूल के हिसाब से जनवरी इनटेक वाले बच्चों को जो फंड दिखाने हैं वो हैं 12006 पाउंड। ये तकरीबन आपकी 13 लाख से ऊपर की अमाउंट बनेगी। अगर मैं इसको आज की करेंसी के हिसाब से टोटल करूं तो 12006 पाउंड इंटू 112, तो तकरीबन 13.5 लाख के फंड आपको दिखाने पड़ेंगे अगर आप लंदन के बाहर जा रहे थे। तो मतलब पहले 10 लाख दिखाने पड़ते थे, अब 13.5 दिखाने पड़ेंगे, 3.5 लाख फंड शो आपका बढ़ चुका है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इनर लंदन की, मतलब अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर है, तो पहले जो आपको फंड्स दिखाने पड़ते थे वो थे 10,224, तो तकरीबन 11.5 लाख ये फंड बनते थे। अब ये फंड बढ़ के हो चुके हैं 13,347, मतलब तकरीबन 13,500 पाउंड। अगर आप इसको करेंसी को वैल्यूएट करेंगे तो तकरीबन आपके 15 लाख से ज्यादा फंड आपको जो दिखाने पड़ेंगे। जी हाँ, 14,94,000 बनते हैं। तो क्लियर कर लें, आउटर लंदन नई अमाउंट जो आपको चाहिए वो अगर हम पाउंड के हिसाब से देखें 12,006 पाउंड चाहिए होंगे। इनर लंदन के लिए आपको जो चाहिए होंगे वो 13,347 पाउंड चाहिए होंगे। और इस पाउंड को आपको करेंसी में चेंज करना है। चेंज करने के बाद आउटर लंदन ये तकरीबन 13.5 लाख बन जाएंगे और इनर लंदन तकरीबन 15 लाख के फंड बनेंगे। ये अब सब उन स्टूडेंट्स के लिए जरूरी हो गया है जिनकी फाइल्स जनवरी इनटेक के लिए लगेगी। नवंबर वालों के लिए ये सेफ है। सो जिन्होंने नवंबर अप्लाई करना है, अक्टूबर अप्लाई करना है, वो जल्दी से अपनी एप्लीकेशन लगा लें। अगर आप जनवरी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और नवंबर में जो कोर्सेज ओपन है वो मोस्टली सिर्फ मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। सो वो अपने डिसीजन टाइम से ले सकते हैं। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। यूके स्टडी वीजा सबके लिए ओपन है, विद स्पाउस आप जा सकते हैं, फैमिली के साथ यहाँ पे जा सकते हैं। शर्त है आपके पास आईएलटीएस स्कोर 5.6 ओवरऑल 5.5 होना चाहिए। ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट देंगे कि आपको सारे पैसे देने होंगे वीजा लगने के बाद। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।